मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। हो आप सब अच्छे होंगे। आज है थर्सडे का दिन, 20th of July, और वेल आज का व्लॉग मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे 9 और मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ खीरा वाला सैंडविच। तो यहाँ पे खीरा कट कर लिया, यहाँ पे ब्रेड को सेक रहे हैं और इसमें थोड़ा सा बटर लगा के उसके ऊपर से खीरा लगा के बस आज का यही है ब्रेकफास्ट। आज मैं खाना में बना रही हूँ छोला और चावल। और आज के खाना यही है, कल ही फुला दिया था छोला। और अभी थोड़ी देर के लिए हम चली गई थी थोड़ा अपने फ्रेंड्स के पास चाय वाय पीना, थोड़ा गपशप करने, चाय पे चर्चा करने। तो उसमें अभी एक घंटा निकल गया। फिलहाल अभी टाइम है, मैं सारा कुछ तैयारी करके गई थी। छोला फुला हुआ है और चावल वगैरह सब कुछ तैयारी करके प्याज व्याज काट के गई थी। तो अभी बनाएंगे छोला चावल और बस फिर शौर्य के आने का टाइम हो जाएगा, तब तक मेरा खाना बन जाएगा। और थोड़ा बहुत गप वप करने में अच्छा लगता है। थोड़ा वेकेशन से लौटी है तो मिले नहीं थे सबसे, अभी मिल विल के बात बात किया, थोड़ा बहुत गपशप किया और बस बैक टू रूटीन। थोड़ा मिल लेने से, और मैं प्रसाद लेके आई थी तो सबको प्रसाद भी दे दिया। और चलिए बनाते हैं फिलहाल छोला और चावल। जो प्याज वगैरह सब जो काटा था ना, और जो भी, तो उसका पानी जो है ना, आप ये यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स में डालने के लिए। तो ये पानी है ना, कोई भी सब्जी वब्जी काटें तो आप उसके पानी को ना प्लांट्स में डाल दीजिएगा। वो फर्टिलाइज़र की, मतलब खाद की तरह काम करता है, तो अच्छा रहता है। जो भी इसका न्यूट्रिएंट्स होता है ना वो पानी में आ जाता है, और पानी को आप प्लांट्स में डाल दीजिए तो घर के चीज़ों से ही प्लांट्स का केयर हो सकता है। तो ये तरीका भी आप डाल सकते हैं, तो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है ये पानी। तो इसको मैं प्लांट्स में डाल दूंगी और प्लांट्स भी अच्छा खुश हो जाएगा और ये यूज़ भी हो जाएगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, 2 in 1। उस पानी को पूरा छान लिया है और छान के, क्योंकि सारा चीज़ उसमें नहीं डालना है, सड़ने लगेगा प्लांट्स, तो ये सिर्फ पानी डालना है, ये पानी प्लांट्स में डाल देना।
सुबह छोला बना था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि रात के खाना में छोला अगर बचा है तो मैदा वाला पूड़ी ना बने, तो आज हम लोग को मैदा वाला पूड़ी खाने का मन कर गया, ये भी बोल रहे हैं। और मेरा पहले से भी डिसीजन था, तो मैं मैदा वाला पूड़ी बना रही हूँ। अच्छा लगता है मैदा वाला पूड़ी, मतलब भटूरा वाला फीलिंग आता है। वो भटूरा तो नहीं बनाया, बट मैदा का पूड़ी बना दिया। सुबह सुबह छोला चावल का मज़ा ले लिया, अभी छोला पूड़ी, छोला और पूड़ी का मज़ा लेंगे, तो दोनों टू इन वन हो गया है। और मुझे पहले एक्चुअली मैं पहले से ही सोच ली थी कि पूड़ी बनाएंगे, लेकिन वो उनको भी आज आके बोलते हैं कि मैदा वाला पूड़ी बना दोगी क्यों तो हम लोग दोनों का थिंकिंग मैच हो गया। मेरा भी मन था पहले से ही बनाने का, तो आज का डिनर यही है। और व्लॉग भी यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बने रहें मेरे साथ। और आप भी कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? कुछ भी बोल दीजिए, हाय हेलो कर दीजिए। हाय गाइस, क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है? वी आर बैक फ्रॉम गोवा। अभी भी टैन नहीं गया है, लगता है थोड़ा काला पड़ गया है स्किन। हाँ, धीरे धीरे बैंगलोर वगैरह में आकर हो जाएगा। सनस्क्रीन लगाया था बट काम किया है कि नहीं किया पता नहीं, देखना पड़ेगा। चलिए गाइस, बाय बाय, मिलते हैं आपको कल एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।